हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यार हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। सर एग्जाम कितने लोग ऐसा करते हो। दूसरी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, जो भी उन्होंने बना रखा है उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई गेस आप भी उस कैटेगरी में होगे। मैं रट्टू वाला था, ठीक है, मैं नोट्स नहीं बनाता, मैं रट्टा मारता था। एंड जो तीसरी कैटेगरी के जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सही टेक्निक यही होती है कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो सर, ये तो हो गया। अब बताओ कि सर, अगर आप बताओ बेसिक से स्टार्ट करें तो क्या करें। तो बेटा तीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये गारंटीड वे है। 80% तो मिनिमम आएगा, और अगर आप थोड़े ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तो 95 तो खींच लोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई एग्जाम का क्वेश्चन देख लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सर क्वेश्चंस कहाँ से देखे यार, पेपर तो आया ही नहीं है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बता बता के थक गया। ठीक है, सारे टीचर्स बेटा आलसी होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी बोर्ड एग्जाम का देखोगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, पिछले कोई भी पेपर दे रहे हो, पिछले 5 साल का पेपर उठाओ, ठीक है, और उसको बस देखो, समझने की कोशिश करो। इससे क्या होगा सर, बच्चे कहेंगे सर मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। हाँ, नहीं समझ आएगा, बट होगा क्या, आपके दिमाग को फेमिलैरिटी समझ आ जाएगी कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ आ गया कि इंपॉर्टेंट क्या है, दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट, वो है अंडरस्टैंडिंग। अब आपको समझ आ गया कि भाई टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको समझने वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब समझने के लिए सर पता कैसे चलेगी, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो मैं पता चल गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दूसरा में पता चलता है कि भाई जो भी आपके बुक में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है ना, वो तो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पता ही है। ठीक है, अब उसको समझे कैसे। ठीक है, समझने की बड़ा सबसे बढ़िया टेक्निक ये होती है कि पहले तो आप यूट्यूब वीडियोज देख के थोड़ा सीख लो। ठीक है, उसके बाद आप उसको एनसीईआरटी को रीड करने की कोशिश करो। और सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब आप किसी और को सिखाते हो। ठीक है, आई नो आप कहोगे सर मैं किसी को क्यों सिखाऊं, मेरा टाइम बर्बाद होगा। बेटा बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होता। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, जो बुक में लिखे होते हैं उसको नोटबुक में लिख के उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही गलत टेक्निक है। आपको अगर ना उसको समझना चाहिए कि ये पैराग्राफ आपको कह क्या रहा है। ठीक है, जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, अपने आप को ही समझाओ या फिर अपने छोटे भाई बहन को समझाओ। इससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है। फेमेंस टेक्निक कहते हैं इसको। ठीक है, when you explain it to someone, you learn much better, in a much better way. ठीक है, तो आप ये जरूर ट्राई करो, आई कैन गारंटी यू, आप मतलब मैंने बताया ना कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे बाद में जाके, इतने अच्छे से याद रहेगी। अगर आप रट्टा मारोगे तो इमीडिएटली भूल जाओगे, मेरी तरह। मैंने कहा ना मैं रट्टा मारता था, ट्रस्ट मी, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे इतनी ज़्यादा आती ही नहीं है, क्योंकि आई वाज़ यू नो रट्टू फाइंग दैट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग। अब थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कहते हैं रिमेंबरिंग। सर पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, अब याद कैसे करें भाई, वो तो भूल जाते हैं। रिमेंबर करने का एक ही तरीका बेटा, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो रिवाइज रिवीजन बहुत ही बोरिंग होता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, बट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। अब रिवीजन करने के 2-3 तरीके होते हैं। किसी को मैं रिवीजन करने लगा तो वो कहते हैं, वो उसको चीज़ को रट्टा मारते रहते हैं बार बार, रट्टा नहीं मारना। आपको रिवाइज करना है कोई भी चैप्टर तो उसके क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, ये मेरी मैथ्स टीचर ने बताया था मुझे कि रिवीजन कैसे करते हो आप, पूरा क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व थोड़ी ना करोगे, जो आपने पढ़ा हुआ है कोई रैंडम क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। इससे क्या होगा, जो आपका दिमाग है उसके बारे में सोचेगा, एंड इट जब आप सोचते हो, जब आपके एफर्ट्स लगते हैं, तब आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद कर सकते, इट विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग अ रिवीजन। सेकेंड वे ऑफ रिवीजन इज गाइस कि आप हर रोज सोने से पहले 15 मिनट बस आंखें बंद करो, सोचा करो कि यार मैंने क्या करा है दिन भर में। तो इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि यार आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव था कि नहीं था। प्रोडक्टिव था तो अच्छी बात है, प्रोडक्टिव नहीं था तो मेक श्योर कि अगले दिन आपको प्रोडक्टिव है। ठीक है, और 15 मिनट्स जो मैं कह रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि आपको पूरी की पूरे टॉपिक को याद करके लिखना है, नहीं, आपको बस जो बुलेट पॉइंट्स, आज मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, आज मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ा, उसमें न्यूट्रिशन के बारे में सर बता रहे थे, उसमें ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था, उसमें हमने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा, माउथ होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, इस तरीके से समझ। आपको पूरा डिटेल में उसको रट्टा नहीं मारना, बस देखने की यार आपने क्या क्या पढ़ा, उसको बस एक माइंड मैप सा बना लोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहेगा, आई गारंटी यू।
ठीक है। एक और चीज है रिविजन की, थर्ड टेक्निक होती है जो मैं कहता हूँ कि संडेज, अपने संडेज को अच्छे से यूज करो, कि पूरे हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है ना, सेम जो 15 मिनट वाली एक्सरसाइज थी ना, वैसे ही आपको रिपीट करना है कि पूरे संडे आपने क्या क्या पढ़ा। अच्छा, मंडे को मैंने पढ़ा था, ट्यूजडे को पढ़ा था, वेडनेसडे को पढ़ा था, तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वाह बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। और वो याद भी रहेगा कि यार मैंने ये टॉपिक्स पढ़े थे। और अगर कोई टॉपिक में आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या पढ़ा था, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इट इज़ लाइक यू नो हैमरिंग इन योर ब्रेन, कि आपने जो भी पढ़ा था उसको दोबारा हैमर कर रहे हो, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो यस, तो क्या टेक्निक है भाई एग्जाम देने की, सबसे पहले एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, कैसे देखो, 5 साल के क्वेश्चन कर लो। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड करो जो भी टॉपिक।